हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग इस लेक्चर में देख लेते हैं एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में। हर उम्र की सांसों पर भारी है ग्लोबल वार्मिंग का असर। इसके संपादक हैं मदन जेडा, ब्यूरो चीफ हैं। लासेंट काउंट डाउन की ताज़ा रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य पर प्रभावों को लेकर गहन चिंता पैदा करती है। चिंता यह है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जिस गति से प्रयास हो रहे हैं, खतरा उससे कहीं ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। नतीजा यह है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से लेकर अन्य नीतियों में सुधार के हमारे मौके हाथ से निकल रहे हैं। वैश्विक नीति निर्माता छोटे द्वीपों, गरीब व विकासशील देशों की चिंताओं को पहचानने में चूक कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार आज जन्म लेने वाला हर बच्चा अपने जीवन में एक बार ऐसी जलवायु में सांस लेगा जो औद्योगिक काल से पहले के दौर की तुलना में 4 डिग्री ज़्यादा गर्म है। उसे बचपन, किशोरावस्था, वयस्क होने से लेकर वृद्धावस्था तक जलवायु परिवर्तन प्रभावित करेगा। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से सबसे ज़्यादा बच्चों पर ही असर दिखा रहे हैं। बच्चे कई प्रकार से प्रभावित होते हैं। 1960 के बाद से देखा गया है कि सभी प्रमुख फसलों के उत्पादन में कमी आ रही है। यह खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा है। गरीब बच्चों में इससे कुपोषण बढ़ रहा है। इस प्रकार डायरिया, डेंगू जैसी बीमारियों का सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव भी बच्चों पर पड़ता है। ऐसे रोगों के विस्तार के लिए बड़ी गर्मी जिम्मेदार है। पिछले लगभग 2 दशक में डेंगू के संचरण की दृष्टि से सबसे भयावह साबित हुए। इसी प्रकार यदि डायरिया के मामले देखें तो 1980 के दशक की तुलना में ऐसे दिनों की संख्या दुगनी हो गई है जो इस बीमारी के फैलाव के लिए उपयुक्त होती है। पहली बार इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि किस प्रकार से उम्र के हर पड़ाव को जलवायु परिवर्तन प्रभावित करता है। बाल्यावस्था प्रभावों का जिक्र ऊपर किया गया है। उसके बाद किशोरावस्था में जब लोग प्रवेश करते हैं तो यह खतरा और बढ़ जाता है। जीवाश्म ईंधन में होने वाला प्रदूषण, हवा के प्रदूषण से होने वाली दिल, फेफड़े आदि की बीमारियां, उम्र बढ़ने के साथ साथ इन बीमारियों का खतरा बढ़ता जाता है क्योंकि शरीर को लगातार इन प्रभावों का सामना करना पड़ता है। PM 2.5 जैसे सूक्ष्म कणों से 2016 में 29 लाख मौतें दुनिया में हुई, जबकि इस दौरान वायु प्रदूषण से होने वाली कुल मौतें 78 लाख थी। रिपोर्ट में कहा गया कि आने वाले समय में जीवन में बार बार चरम मौसमी घटनाएं का आना सबसे बड़ा खतरा होगा जो स्वास्थ्य के लिए बड़ी चुनौती साबित होंगी। इसका प्रकोप सर्वाधिक शिकार महिलाओं को होना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, विश्व स्तर पर 77 देशों ने 2001 से 2014 तथा 2015 से 2018 के दौरान जंगलों की बढ़ती आग और उससे होने वाले जोखिमों में वृद्धि का अनुभव किया है। भारत और चीन में ये घटनाएं सबसे ज़्यादा बढ़ी हैं। उपयुक्त अवधि में भारत में ऐसी घटनाएं 2.1 करोड़ तक बढ़ी हैं, जबकि चीन में 1.7 करोड़ मामले बढ़े हैं। निम्न आय वाले देशों में इस प्रकार की मौसमी घटनाओं से होने वाली क्षति की भरपाई के लिए कोई बीमा नहीं होता है, जिससे परिवारों पर बोझ बढ़ता है। बढ़ते तापमान और अत्यधिक गर्मी व लू जैसी घटनाओं से आबादी की स्वयं क्षमता भी लगातार गिर रही है। रिपोर्ट कहती है कि 2018 में 45 अरब संभावित कार घंटे की क्षति तुलनात्मक रूप से जलवायु परिवर्तन के कारणों से हुई है, जिसमें भारी गर्मी, बारिश, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक घटनाएँ शामिल हैं। अमेरिका और उसके दक्षिणी क्षेत्रों ने इस दौरान ताप बढ़ने के कारण कामकाज के संभावित 15 से 20
फीसदी घंटे खो दिए। रिपोर्ट में कहा गया कि हालांकि अभी यह प्रमाणित करना मुश्किल है कि जलवायु परिवर्तन के चलते पलायन, गरीबी की विकरालता, हिंसक प्रदर्शन, संघर्ष और मानव बीमारियां बढ़ रही हैं, लेकिन इतना तो तय है कि जलवायु परिवर्तन इनको बढ़ा रहा है। इस पर और शोध की ज़रूरत है। लानसेंट की इस रिपोर्ट में एक और बड़ी चिंता यह व्यक्त की गई है कि दुनिया में सोच बढ़ती जा रही है कि सब इसी तरह चलता है। यह और भी चिंताजनक है। इस रास्ते पर चलने का परिणाम यह होगा कि दुनिया का मौलिक रूप भी बदल जाएगा। जो चिंता ऊपर जाहिर की गई है वह उससे कहीं ज़्यादा विकराल रूप में दुनिया के सामने पेश आ सकती है। चलिए, तो ये था हमारा ग्लोबल वार्मिंग से संबंधी एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल।